बहुत जन्म गुजर गई यार को देखे बिना, अपनी प्रीतम को देखे बिना। देखता था मैं जिसे होके नदीदा हर्षो, मेरी आंखों में छिपा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं तो खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ना मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। हमरे भीतर ही बैठा था परंतु हमें मालूम न था। जागे रहना, थोड़ी देर के लिए अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में विराजमान हो जाना। देखने की सक्षमता, देखने का पोटेंशियल, देखने की एकमात्र क्षमता, अपनी ओर, अपने आप से अपने आप को देखने की, स्वयं को स्वयं से देखने की, ये सक्षमता थर्ड आई कहलाती है। तुम स्वयं देखने वाले हो, स्वयं खोजने वाले हो, स्वयं तलाशने वाले हो। तुम स्वयं ही अंधेरों को पालने वाले हो, तुम स्वयं ही मन के हाथों लगने वाले हो। ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश अब तुम स्वयं ही इन अंधेरों को दूर करने की सक्षमता पिरो लेना। वाइब्रेशन के आलम में, संगीतमय धारा में अंतस ध्यान को पिरो लेना, उसकी ओर बढ़ते चले जाना। अपना बचपन, अपनी जवानी सार्थक कर लेना, अपनी जिंदगी को आबाद कर लेना, अपने प्रभु से, अपने स्रोत से, अपने शिवनेत्र से जुड़े जुड़े तो मानव जीवन की कीमत अदा कर लेना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, निरंतर जागे जागे रहना। कहाँ देखें, कैसे देखें, किसको देखें, कहीं नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, केवल देखना। जो जो तेरे सामने घटित होता है, तेरे ही भीतर, तेरे सामने, उसी का अनुभव लेते रहना। तुम केवल देखते रहना, कहीं दखल नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं। तेरा स्वभाव है निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना, तेरा स्वभाव है न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, तेरा स्वभाव है अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। तुम लगातार अपनी विराट नजर में रहना। Keep looking on inside. Simply watch. Watch your thoughts, watch your mind, watch your darkness all over inside. Simply watch.
भाव दशा में डूबते चले जाना, भाव दशा में। कोई चौकड़ी नहीं चाहिए भाव दशा में, कोई स्पेशल आसन नहीं चाहिए भाव दशा में। एक बार उसकी प्रतीक्षा, उसकी इंतजारी पल पल चाहिए। विचार दशा में तुम सही सही आसन में विराजमान हो जाना और जागे जागे देखते रहना मन की तमाम फैलती हुई माया को, मन के विस्तार को देखते रहना, विचारों की गति को देखते रहना। ये डस्ट विचारों विकारों विकल्पों की जो निरंतर उठती है उसे देखते रहना, उससे बचे रहना, हटे रहना, केवल जागे जागे रहना अपने प्रति। तमाम थॉट्स, तमाम विचार दूसरों से हैं, दूसरों के बारे में है, सब पराया है, ये कचरा दूसरों के बारे में है, दूसरों के हैं, दूसरों से आए हैं, दूसरों से पिरोए हैं माइंड ने। माइंड इटसेल्फ इज अदर, ये भी दूसरा है। हमसे जो जो परे हैं वो सब दूसरा है। मुझ थर्ड आई से जो जो परे है वो सब पराया दूसरा है। दूसरा दूसरे में रुचि लेता है, दूसरा दूसरे में टेस्ट लेता है और वहीं फंस के रह जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं पिरोना, दूसरे से बच के रहना। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तो, अपनी निबेड़, यही है विस्डम। तुझे पराई क्या पड़ी। ये तमाम विचार विकार विकल्प वृत्तियों के ढेर सब पराया है, सब पराया मान है। ये सारा कचरा पराया है, दूसरों से आया है, दूसरों के बारे में है, दूसरों के प्रति बहता है। माइंड ने क्या खेल रच रखा है, कितना व्यर्थ का खेल रचा है इसने। कि सार्थक को सदा सदा के लिए दबा लिया है, इसके प्रति जागे रहना और अधिक सांस इसके हाथ में नहीं देना, और अधिक इसके हाथ नहीं लुटना, इससे बचे बचे रहना, हटे हटे रहना विचारों की भीड़ से, विचारों की गति से, विचारों की उथल पुथल से, विचारों की आवाजाही से तुम हट करके रहना, तुम जागे जागे देखते रहना। देखना स्वाभाविक हो, प्रेशर दबाव जोर जबरदस्ती नहीं देखना, बहुत सहज सरल साधारण होते जाना। जो जो दिखाई देता है उसी को देखना, भले अंधेरा ही हो, हर पल हर घड़ी हर समय हर मोमेंट अंधेरा ही हो, तुम जागे जागे देखते रहना।
तेरी याद में रो लेना, ये प्यास हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी है। तेरी याद में रो लेना, ये प्यास हमारी सी। जब साफ किया सीना, प्रेम ध्यान की रंगत सी। जब साफ किया सीना, तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। तब जाके तेरी दिल में तस्वीर उतारी है। उसकी याद में रो लेना, ये पूजा हमारी। शहनशाहियां, दुनिया के शिखर, दुनिया की चकाचांद, दुनिया के वैभव, दुनिया भर की शहनशाहियों के शिखर, जहां दो कौड़ी की कीमत नहीं रखते, वो है दीवानों की महफिल, दीवानों की प्यास, वो है प्यासों की प्यास। जिस पे प्यास उतरी है उसकी, वो कुछ और नहीं चाहता, वो ये नहीं चाहता कि परमात्मा आएगा, प्रभु आएगा, उससे मिलन होगा। प्यास ही परमात्मा है। गर तूने उसको रोम रोम में पिरो लिया, जो तेरे से नहीं आई उससे आई है। वो अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, वो प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा जो मालिक के लिए उठा है, वो उसी से आया है, तेरे से नहीं आया। उसने अपना प्यार जताया है, पुकार उठाई है, तभी तेरे भीतर प्रवेश किया है, उसने तेरे तक पहुंची है। उसने उठाई, प्यास ही परमात्मा है, विरह ही विराट अस्तित्व है, जहां उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कछु नहीं,
उससे बढ़कर की महत्वपूर्ण केवल वही एक महत्वपूर्ण है जिनके लिए प्यास में कभी नहीं चाहा प्यासे ने कछु और, प्यासी प्यास निरंतर महासागर की तरह छलकती चली गई। प्यास को उसने दबाया नहीं, अपनी मांग इच्छा कामना की पूर्ति के लिए प्यास को दबाया नहीं, प्यास को सेकेंडरी नहीं बनाया, प्राइमरी रूप दिया, प्रायोरिटी एकमात्र प्यास की। मानव जन्म की कीमत है प्यास, प्रीतम विराट की अस्तित्व की अपने आप को जानने पहचानने की, अपने आप में अनलाइटेड हो जाने की, अपने आप में परम स्वतंत्रता की झूले में झूलने की प्यास। ये चाहना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं है, प्यास एकमात्र ये सब झलक दे देती है। प्यास इससे बड़ा शिखर दुनिया में किसी का नहीं। शाना शाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, शाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, जिसने तेरे चरणों में ता उम्र युवारी है, जिसने तेरी चौखट पर ता उम्र युवारी है। शाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, शाना जमाना क्या गजब कहती है राधा महारानी, क्या गजब कहती है मीरा महारानी, क्या गजब कहती है माँ गुजरी के शिखर। शाना क्या गजब कहती है सीता सावित्री के शिखर, इंदुमती गार्गी के शिखर, क्या गजब कहती है सहजो दयाबाई के शिखर, क्या गजब ध्रुव प्रहलाद लवकुश के शिखर कहता है, क्या गजब विवेकानंद के शिखर कहता है, क्या गजब मां सुशीला के धर्मपत्नी प्रोफेसर तीर्थ राम की स्वामी राम तीर्थ, क्या गजब के शिखर पिरोए हैं उसमें। ऐसे शिखर किसी ने नहीं पिरोए जो मां सुशीला ने पिरोए हैं। आज सारे विश्व की मां होकर की गुजरी है मां सुशीला, जिसने पति के रास्ते पर कोई कांटा नहीं बिछाया, सब कांटे उसने साफ करके कदम दर कदम साथ साथ चल पड़ी प्रोफेसर के साथ। जो भीतर की प्रोफेसरी को, भीतर की प्रोफेसरशिप को खोजने निकला, बाहर का तो पा लिया किंतु भीतर से वंचित है, उस भीतर की वंचित अवस्था को विदा करने के लिए जिसने कदम विराट की ओर उठाए, उसके रास्तों से सारे कांटे साफ कर दिए सुशीला ने। क्या गजब का साथ दिया मैत्रेयी की तरह, सीता की तरह, मां गुजरी की तरह। प्यास है प्रायोरिटी केवल प्रीतम का लिया है, क्या गजब ढाया है उन्होंने, क्या यूनिक एग्जाम्पल पेश किए हैं भीतर की बादशाहियों की। एक दिन भी धर्मपत्नी लोई ने, जिसके पास दो समय का भोजन नहीं है बच्चों के लिए, एक दिन शिकवा शिकायत नहीं किया है पति के प्रति, एक दिन भी शिकवा शिकायत का रूप नहीं बनी है वहां।
माँ लोई। कबीर साहब के रास्ते पर कभी कोई अंधेरा नहीं आने दिया। क्या गजब यूनिक एग्जाम्पल्स पेश किए हैं उन्होंने, जहां प्यास है किंतु दूसरी तरफ नरेन को देखना विवेकानंद होने वाले को। ओह, माँ भुवनेश्वरी स्वयं बाजू पकड़ के कहते हैं, पिता कहता शादी करिए, मेरे होते होते इस लड़के की शादी हो जानी चाहिए, इसके बाबा से छुटकारा हो जाना चाहिए। बाबा से दूर करने में बाप लगा है, किंतु माँ बाबा के समीप लाने में लगी है। क्या गजब है माँ भुवनेश्वरी, क्या गजब गाया है उस माँ ने। बच्चे की प्यास को, बच्चे के अरमान को, बच्चे के दर्द को कुचला नहीं बल्कि उसको सींचा है। बाप खिलाफ है, विरोध में है, इसलिए बाप को कोई नहीं जानता। नानक के पिता की बात कोई नहीं करता, क्योंकि उसके रास्तों पर कांटे उतारे हैं उसने मोह ममता की। नानक के पिता का कोई गुरुद्वारा सारे विश्व में नहीं मिलेगा। नानक की बहन नानकी के मिलेंगे, बहुत गुरुद्वारे हैं, बहुत मेमोरियल है उनकी बहन के जिसने साथ दिया है। दोनों एक दिशा में हैं, दुनिया की परवाह नहीं किया, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, कान दिया ही नहीं, कान अपने पास रखा है। यही नहीं, यूनान के सोक्रेटिस सुकरात की कहानी देखना, उसका एक बेटा है, पत्नी है, कभी साथ नहीं दिया सुकरात का, कभी साथ नहीं दिया, सार देती है बाहर बाहर से, भीतर पुत्र को पकड़े रखती है। सोक्रेटिस ने सुकरात ने देखा, तू इतना कर्म कमाती फिर भी तेरे अंदर बदलाहट नहीं, चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं, रूपांतर नहीं, क्यों? क्योंकि भीतर तूने पुत्र को पकड़ रखा है, जो मेरे रंग में रंगना चाहता है, मेरे रंग में रंगत में उतरना चाहता है, तो उसको पकड़ पकड़ करके अपनी ओर जोड़ती है, ना तो स्वयं जुड़ती ना उसको जुड़ने देती है। परंतु सुकरात ने एक दिन भी शिकवा नहीं किया, एक दिन शिकायत नहीं किया। सुकरात उसके हर एक मिसबिहेवियर को स्वीकार किया है, परंतु अपनी अनख नहीं दिया, अनख नहीं बेचा, समझौता नहीं किया। वो वासना कामना से युक्त लेडी, वो संसारी रूप में जीना चाहती है, किंतु पति सुकरात ने, सोक्रेटिस ने स्वीकार नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि वो रोम रोम जरा जरा प्रेम प्यास में डूब गया। वह जिसने दिया उसको दे बैठा, एक एक रोम रोम जरा जरा उसको दे बैठा जिसने उसको दिया। सोक्रेटिस भारतीय महान संस्कृति का दीवाना, संस्कृति के अनुसार उसने अपना जीवन खड़ा किया, झूठ के साथ समझौता नहीं किया। सर्वप्रथम अपोजिशन घर से आई, सर्वप्रथम विरोध घर से उठा। कितना सुंदर कहते हैं प्रभु के दीवाने, प्रभु एक तरफ अपने हैं, दूसरी तरफ पराये हैं, परायों से तो मैं बच लूंगा। ये भी यूनान का फकीर कहता है, एक हार्ट नाम का फकीर यूनान में हुआ है, प्रभो मुझे अपनों से बचाना, अपनों से बचाना, मुझको अपने से नहीं बचा जाता, अपनों से बचना बहुत मुश्किल है, परायों से मैं बच लूंगा, प्रायों को तो मैं भी देख लूंगा, प्रायों को तो मैं बुरी अच्छी तरह फेस कर लूंगा, प्रायों को देख लूंगा, अपनों को कैसे देखूं, अपनों को कैसे फेस करूं, अपनों से मुझे बचा ले, अपनों से बचा ले मालिक, अपनों से बचा ले, जो हर पल हर घड़ी हमें पकड़ पकड़ के संसार में फंसाना चाहता है, अपने जैसा बना डालना चाहते हैं, अपनों से, जो उनकी स्वार्थ हैं, अपने सुख स्वार्थ के लिए मेरे जिंदगी को, मेरे जीवन को अपने अनुसार बना देना चाहते हैं,
दो कौड़ी का ढेर बना देना चाहते हैं, अपनों से बचाना। सर्वप्रथम मुझे अपनों से बचाना। एक हार्ट नाम के फकीर ने, उस दीवाने भक्त ने कमाल की पुकार उठाई, प्रायों से तो मैं भी निपट लूंगा, उनसे निपटना आसान है, अपनों से तू बचाना मेरे मालिक। मैं अपनों के जाल में ना फंस जाऊं। सोक्रेटिस ने भी यही एक मात प्रार्थना उठाई है। पत्नी ने साथ नहीं दिया और बच्चे को पूरी तरह अपने जैसा बना के रखा, उसको पिता के साथ जुड़ने नहीं दिया, उसके मार्ग पर उतरने नहीं दिया, पकड़ पकड़ करके संसारी बना देना चाहती है और अपनी तरह जीने की एकमात्र दिशा देती है, संसार में बसा देना चाहती है। किंतु सुकरात कहता है नहीं, ये शिखर उसके हाथ लगे जो अमरता का संदेश देता है, जो कभी कभी कहीं कहीं किसी आंगन में उतरते हैं उस मालिक की कृपा से। लाखों करोड़ों के आंगन छोड़ करके वो मालिक मेरे आंगन में उतरा है, अरे उसकी कदर कर लो, उसका स्वागत कर लो, उसे स्वीकार कर लो। पता नहीं किस तरह से उतर आई है ये प्यास मेरे आंगन में। आश्चर्यचकित होकर के सुकरात कहता, समझौता नहीं हो सकता झूठ के साथ। सुकरात कभी अपनी पत्नी के कहने पर नहीं, अपने बेटे के कहने पर नहीं चला, वो अपनी सद्बुद्धि में उतरा, अपनी प्यास से चला, अपने दर्द से चला, तो सारे परिवार को आबाद कर दिया, सब अपनी ही प्यास के अनुसार चले। जो जो भी शिखर बनकर के हमारे सामने पूर्ण पूर्ण रूप में ह्यूमन होकर के आए, पूरे पूरा मानव होकर के आए, मानवता की इंसानियत की संभावना लेकर के हमारे सामने जगमगाए, हजारों हजारों लाखों लाखों यूनिक एग्जाम्पल्स बनकर के जीने की कला, जीने का ढंग देते हैं, वो सब अपनी प्यास के अनुसार रहे हैं, प्यास के अनुसार चले हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। वो कभी किसी के ऊपर संसार उड़ेल करके, संसार थोप करके, संसार की चाहना करने वाले की चाहना पूरी करके तनिक मात्र भी तत्पर नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, सब कुर्बान उसके द्वार पर, जो उसका है उसी के चरणों में सौंप दिया। पिता ने कितना जोर लगाया नरेन के लिए, किंतु माँ ने कितना जोर लगाया नरेन को विवेकानंद होने के लिए। माँ आबाद हो गई, माँ अमर हो गई, कितना जोर लगाया है बहन नानकी ने अपने भाई के लिए, स्वयं स्वयं अपना भी अस्तित्व बना गई उसको केवल एकमात्र सहारा देने में, शाबाश देने में, उसके साथ साथ पॉजिटिव होकर के चलने में, उसको थापी देने में, उसको उस दिशा की ओर चलने का एकमात्र पुकार उठाने में ही नानकी अमर हो गई, आबाद हो गई। शाना शाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, जिसने तेरी चौखट पर ता उम्र युवारी है, जिसने तेरी चौखट पर सारी जिंदगी वारी है, जिसने तेरी चौखट पर ता उम्र गुजारी है।